हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी में ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ में एज डिलीशन के बारे में। ये एक नया ऑपरेशन है जो कि ग्राफ पर अप्लाई किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा समझने के लिए, हमने यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है और इसमें से सिंपल हम एक एज को डिलीट करना चाहते हैं। देन सपोज हमको मिला, हम वी वॉन्ट टू डिलीट द बी। ओके, तो जब हमको बी को डिलीट करने के लिए बोला जाता है तो केवल एज ही डिलीट होती है, उसके जो एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट करने वाले वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस पर किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आता। अनलाइक ऑफ वर्टेक्स डिलीशन में हमने देखा था, जब हम किसी वर्टेक्स को डिलीट करते हैं देन उससे जुड़ी हुई जितनी भी एजेस हैं जो उस पर आ रही होती है, मींस इंसिडेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, वो हमारी सारी की सारी डिलीट कर दी जाती है। बट इन एज डिलीशन ऐसा नहीं है। एज डिलीशन में सिर्फ और सिर्फ वो एज डिलीट कर दी जाती है, नॉर्मली वर्टेसेस ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे कि सपोज हमको इसमें बोला गया कि हमको कोई भी एक बी डिलीट करनी है एज, देन बी विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड एंड दिस विल बी आवर न्यू ग्राफ। तो इसके जो एंड पॉइंट्स थे वर्टेक्स 3 एंड 5, इस पर हमारा किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। अनलाइक ऑफ वाइज ऑफ द वर्टेक्स डिलीशन, कभी कभी एज डिलीशन से भी आपके ग्राफ 2 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सपोज ये एग्जांपल है 1, 2, 3 एंड 4, 4 वर्टिसेस आर देयर, देन दिस ग्राफ इज हैविंग कनेक्शन लाइक दिस, लाइक ए बी सी। Now, in this case, if we want to delete B, BH from this graph, then automatically that particular deletion will make this graph into 2 subgraph. क्योंकि जब ये B हमारे पास से यहाँ से delete हो जाएगा, then in such case you can see there will be partition of this graph into 2 subgraphs. तो vertex deletion और edge deletion दोनों ऐसे operations हैं जो कि एक particular graph को दो अलग अलग part में divide कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड करता है कि उस ग्राफ की कैटेगरी क्या थी या वो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया गया था। आगे का ऑपरेशन देखने के लिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है, जैसा कि नाम बताता है कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट रिवर्स। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, इसमें जितनी भी एजेस हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी वर्टिसेस हमारे पास प्रेजेंट है, जो इसका आउटपुट ग्राफ होगा या मीन्स कॉम्प्लीमेंट ग्राफ होगा, उसमें ये वाली एजेस जो पहले ग्राफ में दी गई है वो नहीं होंगी, लेकिन जो नहीं है वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। वर्टिसेस में इसमें हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर देख लेते हैं, लाइकवाइज इन दिस ग्राफ वी आर हैविंग अ कनेक्शन बिटवीन 1 to 2, 1 to 3 and 3 to 4। तो इन द न्यू ग्राफ देयर विल बी कनेक्शंस लाइक 1, 2, 3 and 4। अब आप देख सकते हैं हमने यहां पर वर्टिसेस को ड्रॉ कर लिया है। नाउ 1 to 2 there is a connection, 1 to 3 there is a connection, there is no connection between 1 to 4. तो अब इस नए ग्राफ में हम 1 to 4 के लिए कनेक्शन ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि 1 to 2 यानी जो कनेक्शन हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ में थे वो इसमें नहीं होंगे और जो इसमें नहीं थे वो इसमें ड्रॉ कर दिए जाएंगे, तभी ये इसका रिवर्स कहा जाएगा। आ जाते हैं दूसरे वर्टेक्स की तरफ। सेकेंड इज हैविंग कनेक्शन ओनली विद 1, सो इन दिस ग्राफ वी विल बी हैविंग कनेक्शन 2 to 3 as well as 2 to 4, केवल इस वाले कनेक्शन को हम नहीं बनाएंगे। आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड इज हैविंग कनेक्शन विद 1, नंबर 3 इज हैविंग कनेक्शन विद 4, सो इन दोनों को हटा करके हम 2, 3 का 2 के साथ कनेक्शन करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने बना दिया है। एंड कम टू 4, 4 इज हैविंग कनेक्शन विद 3 ओनली, देयर इज नो कनेक्शन फ्रॉम 4 to 1 as well as 4 to 2। तो अब इस नए ग्राफ में हम 4 से 1 और 4 टू 2 के लिए कनेक्शन बना देंगे जो कि ऑटोमेटिकली पहले ही ड्रॉ हो गया। तो इन दिस केस यू कैन सी वर्टिसेस पर हमारा कोई भी फर्क नहीं आया, लेकिन जो एजेस इस पर्टिकुलर ग्राफ में थी वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की हैं और जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो इसमें नहीं थी। तो इन दिस केस दैट कैन बी कॉल्ड दैट दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ, और ये डिनोट किया जा सकता है लाइक दिस वन। तो दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट ऑपरेशन इज फ्यूजन ऑफ अ वर्टेक्स। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि एक पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स, किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में। नेक्स्ट ऑपरेशन इज फ्यूजन ऑफ अ वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स पर अप्लाई किया जाने वाला ऑपरेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राफ में। दो वर्टेसेस को आपस में हम फ्यूज कर सकते हैं, फ्यूज मतलब उन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। तो फ्यूज करने के टाइम होता क्या है, एजेस पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एजेस को आप डिलीट नहीं कर सकते, हम केवल वर्टिसेस को फ्यूज कर रहे हैं, एजेस एज इट इज रहती हैं, मतलब जो डिग्री इस ग्राफ की है वो मेंटेन रहती है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं,
suppose we have to fuse V1 with V4. अब जब हम इन दोनों को फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जब ये दोनों वर्टेक्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं देयर वाज एन एज लाइक इफ ए ए V1 वे से V4 के बीच में थी. अब जब ये एक ही वर्टेक्स हो गया है, तो ये वाली एज इस पर्टिकुलर पूरे वर्टेक्स पर लूप के फॉर्म में आ जाएगी. इन द न्यू ग्राफ वी कैन सी दैट इफ वी आर मर्जिंग V1 विद V4, तो इसको लिखा इस तरह से जाएगा दैट इज मर्ज्ड. और ये जो एज V1 से V4 के बीच में थी, ये क्योंकि इस पर एक तरह से लूप बन जाएगा, क्योंकि ये V1 और V4 जब एक ही हो गया तो इसका सोर्स और डेस्टिनेशन भी यही बन गया है. देन इन सच केस ए मे बी रिटन लाइक अ लूप. नाउ V2 और V3 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. V2 एज इट इज था, V3 भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा. V1 से सपोज ये बी सी और डी हमने इसके एजेस के नाम रख दिए, तो V1 से V2 जो बी नाम की एज जा रही थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. V2 से V3 जो C नाम की जा रही थी उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ V4 से जो V2 जा रही थी D नाम की एज, वो अब इन दोनों, क्योंकि V4 भी यही हो गया है, तो इसी मर्जिंग एज से जाने लगेगी, इसी मर्ज्ड वर्टेक्स से जाने लगेगी, तो इसका नाम D एज इट इज रहेगा. तो अब आप देख सकते हैं इस नए ग्राफ में B एंड D एक नया मल्टीपल एज का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, और ये पहले एक सिंपल ग्राफ था, ये अब हमारे पास सूडोग्राफ की कैटेगरी में चला गया है. तो मींस टू वर्टिसेस का फ्यूजन एक नए तरह के ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर सकता है. होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट ऑपरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स. प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स में आप यहां पर देख सकते हैं हमने एक ग्राफ लिया है, दैट इज ग्राफ नंबर 2. अब इस ग्राफ में होगा क्या, हर एक वर्टेक्स को ऑफ ग्राफ 1 हर एक वर्टेक्स के ऑफ ग्राफ 2 मर्ज किया जाएगा और एक नया वर्टेक्स का उसका फॉर्मेशन दिया जाएगा. इस ग्राफ में प्रेजेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उसको फ्यूज किया जाएगा, ऑल दी वर्टिसेस प्रेजेंट इन दी सेकंड ग्राफ. आइए इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन वाइज किस तरह से करेंगे. आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास इस ग्राफ में देयर आर टू वर्टिसेस ए एंड बी, एंड इन दी सेकंड ग्राफ देयर आर 3 वर्टिसेस लाइक सी डी एंड ई. अब जो हमारे पास जिसका आउटपुट ग्राफ है जो कि प्रोडक्ट होने के बाद आने वाला है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मींस साइन इज जी इक्वल्स टू जी वन मल्टीप्लाइड विद जी टू. अब मल्टीप्लिकेशन हम इसमें किसका करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के तौर पर हम यहाँ पर वर्टिसेस का आपस में फ्यूजन करेंगे और फिर एज को मल्टीपल टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर कनेक्शंस बने हुए हैं. आइए इसको देख लेते हैं. नाउ ए एंड सी, ए एंड डी एंड ए एंड ई विल बी मर्ज्ड इन द न्यू ग्राफ, यानी हर एक वर्टेक्स इस ग्राफ का मर्ज किया जाएगा हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ ऑफ ग्राफ 2. तो देयर विल बी अ न्यू वर्टेक्स लाइक ए एंड सी दैट इज मर्ज्ड. Now A will be merged with AD and A will be merged with A and E. In the same way, B will be merged with C, B will be merged with D as well as with E. So there will be new vertex named B C as well as new vertex B D and another vertex B and D. This is how you can merge all the vertices. अब आ जाते हैं edges पर. Edges को देखें हम, तो there is a connection between C and D. अब इस पूरे graph में जहाँ जहाँ भी C और D का introduction merged vertices में है, वहाँ पर इस particular edge को रखा जाएगा. Like आप देख सकते हैं यहाँ पर C and D. Then there will be an edge. इस edge को. नीचे आप देख सकते हैं बी सी एंड बी डी. नाउ सी एंड डी आर ऑल्सो देयर, देन दिस इंट्रोडक्शन विल बी देयर. नाउ डी एंड ई देयर इज नो सी एंड डी, डी एंड ई देयर इज नो सी एंड ई. अब आगे देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट एज इज इन बिटवीन डी एंड ई. अब हम यहां पर देखेंगे कि डी और ई हमारे पास कॉमन कहां कहां पर मिल रहे हैं. तो आप देख सकते हैं डी ई यहां पर हमें कॉमन मिल रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर ए से अगर कॉमन लें तो इस यही पेयर हमारे पास डी और ई का बचेगा. So means D to E there may be an edge. Similarly B D B E, B को अगर हम common ले लें तो D E बचेगा, means that edge can be drawn between these two vertices. तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से draw कर देंगे. Similarly अब हम यहाँ पर देखें तो there is an edge between A and B. So A C B C, अगर हम यहाँ से C को common लें then A और B हमारे पास बचेगा, then A and B can be combined like this. Similarly A D B D means D can be taken common, then हमारे पास B और E हमारे पास बचेगा, then A and B can be combined. And similarly A to E, sorry A E B E,
से कॉमन ले लें तो हमारे पास ए और बी हमारे पास बचेगा, देन सिमिलरली इस एज को हम यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस विल बी द न्यू आउटपुट ग्राफ आफ्टर द G1 मल्टीप्लीकेशन विद G2. दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ग्राफ. हमने एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं. हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस थे उनको मर्ज कर दिया है दूसरे पर्टिकुलर ग्राफ के सारे वर्टिसेस के साथ और एक नए वर्टेक्स को हमने यहां पर पा लिया है. लाइकवाइज ऑफ फ्यूजन और एजेस के लिए हमने यहां पर जितने भी कनेक्शन सी और डी, डी और ई और लाइकवाइज ए और बी के बीच में हो सकते थे उनको बनाने की यहां पर कोशिश की है. आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो. थैंक यू सो मच.